थिंग्स हैव स्पीड अप वेरी फास्टर इन लाइफ साइंसेस. लाइक पहले मतलब ये कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में, वी हैव सीन लाइक टेक्नोलॉजीज इन लाइफ साइंसेस हैव एडवांस वेरी वेरी फास्ट. सो इट विल बी फैसिनेटिंग टू सी कि, और स्पेशली अभी रिसेंटली तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज कमिंग अप हु आर वर्किंग ऑन यू नो एजिंग एंड ट्राइंग टू डू रिसर्च ऑन दिस. लाइक इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि यू नो वॉट इट ब्रिंग्स टू फॉर अस इन नेक्स्ट डिकेड. हेलो एंड वेलकम टू द साइंटिफिक गुजराती शो. एंड आज का एपिसोड हिंदी में है, सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. या श्योर अंकित. हाय, माय नेम इज शायोनी शो. मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. मेरा पीएचडी बायोइनफॉर्मेटिक्स में रहा है और मेरा पूरा रिसर्च एक्सपीरियंस. सो राइट नाउ स्टैनफोर्ड में आई एम वर्किंग ऑन bioinformatics related analysis as well as building models related to machine learning, particularly to understand ki kaise ek disease hai, lung disease called bronchopulmonary dysplasia, wo newborn babies ko kaise affect karta hai. To usi pe mera research hai yahan pe, and I'm happy to be in today's show. That's great. Introduction mein main thoda awkward ho jata hu lekin I think uske baad hum sahi kar lete hain. तो जनरली बस आज मुझे अल्टोस लैब के बारे में बात करनी थी. तो मैं काफी टाइम से ये रिवर्स एजिंग वाली बातें सुन रहा था. स्पेशली तो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उनका अभी रिसेंटली नया पॉडकास्ट चालू हुआ था लाइफ स्पैन करके. तो उनका पूरा करियर ही रिवर्स एजिंग के रिसर्च पे है. तो तब तक तो मुझे लगता था कि ये सब चीजें मतलब है, इतनी भी कुछ खास नहीं है, बट बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इट वेरी लाउडली नाउ, तो उसमें लगता है कि ये काफी बड़ी चीज है. और उसके बाद मैंने ट्विटर पे देखा कि अल्टोस लैब में काफी नोबेल लॉरिएट्स और काफी ऐसे जो बड़े नाम हैं एकेडमिया में वो जुड़ने लगे. एंड देन जेफ बेजोस में भी जेफ बेजोस ने फंड किया उस स्टार्टअप को. हाँ, तो उसके बारे में इफ यू कैन शेयर समथिंग कि व्हाट इज अल्टोस लैब. एक्चुअली जब अल्टोस लैब का अनाउंसमेंट हुआ दिस ईयर स्टार्टिंग में, तो इट वाज लाइक अ बिग डील बिकॉज लाइक बिग बिग नेम्स, ग्लोबल लॉरेट्स, जेफ बेसोस, यूरी मिलर ने इन्वेस्ट किया है और उनकी जो बोर्ड है उनमें नोबेल प्राइज विनर्स है बहुत सारे. तो फैसिनेटिंग चीज ये है कि ये चीज, ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी नया था. मतलब नया है एज इन मैंने रिसेंटली मतलब इसके बारे में जाना. तो बात है कि ये जो अल्टोस लैब है इस पे ये लोग ऐसी टेक्निक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एज जो है, हम लोग जो एजिंग होती है उसको हम रिवर्स कर दें. जैसे कि आज हम लोग जब बूढ़े होते हैं तो बूढ़े इसलिए होते हैं कि जो हमारे सेल्स हैं, तो हम सब सेल्स से बने हुए हैं. तो उन सेल्स वो एज कर रहे होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं सेल्स, इसलिए हम भी बूढ़े दिखने लगते हैं. तो अब ये अल्टोस लैब जो है ये कोशिश कर रहा है ऐसी टेक्निक्स बनाने का जिससे कि ये रिवर्स हो जाए. मतलब हम जो एजिंग जो सेल्स की है वो ना हो, उल्टा हम यंगर दिखने लगे. सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर इन योर 60s तो यू मे लुक लाइक यू नो यू आर इन 40s. तो वो उस टाइप की टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और इसका इनके बोर्ड में एक्चुअली शिनिया यामानाका भी हैं. तो शिनिया यामानाका इज द लाइक इज अ साइंटिस्ट फ्रॉम जापान और उनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में. तो उन्होंने 2006 में एक पेपर आया था जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मेच्योर सेल्स हैं, मतलब क्या होता है जब यू नो व्हेन अ बेबी लाइक बिफोर द बेबी व्हेन यू नो इन प्रेगनेंसी जो फीटस होता है, तो फीटस में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं. वो यू नो दैट्स हाउ वी आई मीन प्रेगनेंसी के बाद वी हैव द बेबी. तो बेबी में भी कुछ सेल्स डिवाइड होते हैं बट कुछ सेल्स जो है वो मतलब अटक जाते हैं. तो ग्रेजुअली विद टाइम वी विल सी दैट कुछ कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स डिवाइड हो पाते हैं बट कुछ कुछ ऑर्गन्स के सेल्स डिवाइड नहीं हो पाते हैं. ओके, सो अब इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने, शिनिया यामानाका और उनके ग्रुप ने, उन्होंने कुछ सेल्स जो थी जो कि डिवाइड नहीं हो सकती आफ्टर ग्रोन लाइक दे आर मेच्योर्ड सेल्स, उनको रिवर्स पैक कर दिया. उनको रिवर्स करके उन्होंने जैसे एम्ब्रायो में या फीटस एज, फीटस के जो स्टेज में जैसे सेल्स होती हैं वैसे बना दिया. तो उससे क्या है कि ये सेल्स फिर से डिवाइड होके नई चीजें बना सकती है. तो ये फैसिनेटिंग इसलिए भी ज्यादा है कि जैसे अभी
कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसे ब्रेन, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे यू नो ब्रेन डैमेज होता है, कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है, हमारे को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो फिर से सेल्स जो है वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं. इसीलिए द इफ देयर इफ बाय यू नो इफ फॉर इंस्टेंस इन एन एक्सीडेंट अ ब्रेन गेट्स इंपैक्टेड, वी आर नॉट एबल टू रीग्रो दोस ब्रेन सेल्स. तो अभी ऐसी टेक्निक से प्रॉब्ली वी विल बी एबल टू यू नो ग्रो ब्रेन सेल्स, और वी विल बी एबल टू लाइक यू नो अगर कैंसर होता है किसी को और हमें कुछ पार्ट्स निकालने की जरूरत पड़ी, तो उसके बाद प्रॉब्ली हम उस ऑर्गन को फिर से रीग्रो कर सकते हैं. तो इसीलिए ये बहुत ही लैंडमार्क एडवांसमेंट है. इट्स जस्ट नॉट इन दिस केस, फॉर इंस्टेंस इन कैंसर ऑल्सो. कैंसर में क्या होता है, कैंसर मेजरली हम सब जानते हैं कैंसर के बारे में, इट्स अ वेल नोन डिजीज, लाइक यू नो सब लोग जानते हैं इसके बारे में. बट मेजरली कैंसर में ये होता है कि कुछ जो हमारी सेल्स होती हैं वो मतलब क्या होते हैं, इट एक्ट्स लाइक मतलब जो रूल्स होती है जिस तरह सेल्स बननी चाहिए या जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चलती है. दे जस्ट बिकम रोग और दे बिकम लाइक अ क्रिमिनल, दे जस्ट ब्रेक द रूल्स हाउ दे आर सपोज टू बी. इसीलिए कैंसर होता है. तो अब मेरा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, तो मैंने जितना मुझे बताया उसके हिसाब से बेसिकली हमारे कुछ 45,000 या 4500 कुछ जनरेशन चेंज होती है सेल्स की, ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं. तो उसमें ऐसा था कि अगर जितनी भी बार हमारे नए सेल्स बनते हैं उसमें अगर डीएनए के अंदर थोड़ा भी एक में कहीं पे म्यूटेशन आ गया तो वो म्यूटेशन मतलब हर जनरेशन में फिर ग्रो करता जाएगा एंड देन वो फिर बन जाता है कैंसर के सेल एंड देन वो सेल मल्टीप्लाई होके वो ये अंडरस्टैंडिंग सही है. वन ऑफ द कॉजेस मतलब कैंसर में यही है जो तुमने बोला कि वो म्यूटेट हो गया, मतलब एक कुछ चेंज हो गया एकदम इनिशियल स्टेज. बट और एक चीज ये है, कभी कभी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे अगर तुम यूवी रेस में ज्यादा दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेडिएशन में तुम ज्यादा हो, यूवी में ज्यादा हो, तो उससे क्या है कुछ सेल्स सडनली मतलब भी यू नो दे कैन बिकम म्यूटेट कर सकते हैं. So that is, yes, इसीलिए तो बोलते हैं कि जेनेटिक होता है. काफी बार क्या होते हैं कुछ फैमिलीज में यू नो कैंसर जेनेटिकली भी मतलब इट हैपेंस दैट यू नो देयर चांसेस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स गेटिंग कैंसर इज हायर व्हेन देयर पेरेंट्स और देयर ग्रैंडपेरेंट्स हैव इट. सो एक्चुअली आल्टोस लैब के उन्होंने उनकी वेबसाइट पे यही लिख के रखा है कि आल्टोस लैब इज अ न्यू बायोटेक्नोलॉजी कंपनी फोकस्ड ऑन सेल्युलर रिजुविनेशन प्रोग्रामिंग to restore cell health and resilience with the goal of reversing disease to transform medicine. So reversing disease pe unhone focus kiya, it's not reversing aging. Reverse aging. Maine kahin pe suna tha, I think kisi ne bola tha jo aise reverse aging, aging ke usme hi kaam karte hain. To unhone bola tha ki Altos Lab is not a reverse aging company. They are focusing on the cellular rejuvenation, jisse wo disease ko reverse kar paye. उसका फिर वो हो सकता है इम्प्लीकेशन कि शायद वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी रिवर्स को हॉल्ट कर सके और एजिंग को रिवर्स कर सके. बट इट्स मोर लाइक कि अभी बिकॉज़ जेफ बेजोस उसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो प्रमोट ऐसे हो गया है कि बिलियनर्स बेट टू लिविंग फॉरएवर या उस टाइप के. एक्चुअली यूरी मिलनर इज अ वेल नोन इन्वेस्टर, सो उसने सारी जैसे ट्विटर, फेसबुक, जिंगा, ग्रूपॉन, स्पॉटिफाई, बहुत 23 मींस बहुत सारी कंपनीज का वो इन्वेस्टर रहा है. तो ही हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी. तो इसलिए इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल, लाइक यू नो दे हैव ट्राइड टू बिल्ड अप. ट्विटर पे काफी पॉपुलर था ये पूरा. बट इट मेक्स सेंस आल्सो बिकॉज़ यही तो एक ऐसे मतलब ऐसी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इज अ मतलब नाउ दिस इज द काइंड ऑफ कंपनी जो वो क्या बोलूं कि इट्स लाइक हमारा जो ह्यूमन प्रोग्रेस है उसको लिटरली 10x 100x प्रोग्रेस कर सकते हैं. बाकी तो इंटरनेट पे अभी बना दो कोई भी कंपनी, नई वेबसाइट, नई ऐप, दैट इज टोटली डिफरेंट देन like building a company based on hard science engineering. तो मुझे थोड़ा उसमें है ऐसा. नहीं एक्चुअली काफी सारी कंपनीज जो कि सिलिकॉन वैली या बोस्टन में बिल्ड होती है, काफी सारी कंपनीज आर बिल्ड ऑन दिस यू नो वेरी हार्डकोर साइंस प्रिंसिपल्स. आई गेस इंडिया में भी होती होंगी, बैंगलोर में काफी सारी कंपनीज, ज्यादा सुनने को नहीं मिलता उनके बारे में. हाँ बट यहाँ पे है, मतलब सिलिकॉन वैली या बोस्टन एरिया में काफी सारी कंपनी ऐसा होता है. सो हाउ दिस वर्क्स इज काफी सारा जो रिसर्च होता है
वो अकेडमिया या यूनिवर्सिटीज में होता है, और वो रिसर्च जब लाइक यू नो लुक्स लाइक ये कमर्शलाइज किया जा सकता है, दैट्स व्हेन यू नो पीपल अप्लाई ट्राई टू गेट फंडिंग ताकि वो अपनी कंपनी सेटअप कर सके. तो जैसे हम इसमें भी एल्टोस लैब की एक्चुअली अगर तुम बोर्ड देखें तो काफी सारे जो लाइक बोर्ड में है सब लोग, काफी लोग प्रोफेसर हैं एक्चुअली. दे आर एक्चुअली इन एकेडमिया, दे आर वर्किंग एज प्रोफेसर डूइंग द रिसर्च, एंड वो फिर जब रिसर्च कमर्शलाइज करने लायक होता है दैट्स व्हेन यू नो दे गेट इनटू इंडस्ट्री टू. तो दिस इज, आई नो वन वेल नोन नेम, जेनिफर डॉर्ना. ओह यस, जेनिफर डॉर्ना, फ्रांसिस आर्नोल्ड, फिर you know bahut sare actually Rajiv Shah, he is like a physician, like you know he is a physician doctor hai, and he was in the US, I think US government maybe I think kuch years, I think 2015 or us time ke around he was like advisor also. So there are like very high profile names, and yes, Jennifer Doudna, genome editing CRISPR ke liye she got a Nobel Prize. So, have you read that book Code Breaker? Oh yes, वो, yes. वो, I think author का नाम भूल गया मैं, जिसने Einstein Walter Isaacson, yes. Einstein और Steve Jobs और Da Vinci पे भी उन्होंने Da Vinci के भी biography लिखी थी. हाँ, मैंने पढ़ी है and it's very fascinating. I mean, CRISPR पर बात करनी है कभी. She's amazing. Yes, CRISPR is a very fascinating technology. और especially क्या है कि अभी जब मैं यहाँ पे research करी Stanford में, तो जब मैं पढ़ती हूँ, like हम लोग का क्या है कि labs में क्या होता है कि कुछ डेटा तो न्यूबॉर्न बेबीज से होता है, बट कुछ जो है चीजें कि कैसे यू नो एक डिजीज कैसे अफेक्ट कर सकता है ह्यूमन बेबीज को, तो उसके लिए हम लोग माउस मॉडल्स यूज करते हैं, एनिमल मॉडल्स हमारे यहाँ पे लैब में माउस यूज होता है. तो उस पे काफी फैसिनेटिंग होता है कि कैसे कुछ जीन्स को हम क्या बोलते हैं ना कंप्लीटली, मतलब क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब फॉर इंस्टेंस लाइक वी कैन एक्चुअली हैव माउस with where one gene is completely not there in the mouse, you know, it's so these types of yeah इसीलिए genome editing became so fascinating, or especially CRISPR, because क्या हुआ कि CRISPR made it very easier कि तुम्हारे तो क्या है कि हम सब जो है वो जीनो हमारा सबका एक एक you know जो DNA हमारी पूरी जो DNA होती है उसको बोलते जीनोम. So all DNA of me is said to be genome, मतलब my genome is basically all DNA. तो similarly उस DNA में से अगर for instance कोई जीन है तो उसको मैं अगर सब्सट्रैक्ट करना चाहूँ, तो for instance अगर जीन है जो कि मेरे को मतलब you know certain heart risk के लिए या diabetes risk के लिए responsible हो, तो शायद उसको हम काट सकते हैं, हम edit करके निकाल सकते हैं. Is it related to sensing also के अगर हमारी particular क्या बोलूँ जैसे हमारा स्वाद होता है या smell होती है उसके उसका भी कुछ relation है कि अगर वो हमने gene हटा लिया तो you cannot smell this thing ऐसे कुछ. Oh, yeah sure. तो फिर ऐसे allergy में हो सकता है ना, किसी लोगों को कुछ चीज की allergy होती है तो you can just. Oh, yeah. तो ये actually अभी क्या है कि ethics के हिसाब से ये चीजें नहीं की जा सकती है, that is one of the reasons. So actually बीच में तो ये भी बहुत मतलब बोलते हैं ना वो उठाता कि डिजाइनर बेबीज बना सकते हैं लाइक बेबीज को लंबे यू नो उनको जैसे बाल चाहिए या गोरे, मतलब यू नो व्हाट एवर नॉर्म्स पीपल हैव लाइक डिजायर्स दे कैन मेक देयर बेबीज लाइक दैट सुपर सोल्जर्स कैप्टन अमेरिका व्हाट एवर या So that kind of, but ethically these are wrong. Like they cannot do that. So इसीलिए बीच में तो एक केस भी आया था actually China में CRISPR editing से किसी scientist ने claim किया था कि उन्होंने babies को HIV free बना दिया है. वो मतलब बच्चे जो थे they were born from a mother who was already HIV positive. That means the babies would be HIV positive. तो उन्होंने कुछ CRISPR एडिटिंग करके दे हैड ट्राई टू मेक द बेबीज HIV फ्री, बट इट वाज सच अ लाइक यू नो पूरा इंटरनेशनल मीडिया साइंटिस्ट कम्युनिटी काफी गुस्सा हो गई थी, एंड आई थिंक दैट पर्सन हैज बीन पुट टू जेल फॉर फ्यू इयर्स, लाइक ही इज अंडर पनिशमेंट फॉर डूइंग दैट because of the ethics issues, because you cannot do that, like you know it's because abhi bhi kya hai ki hame pata nahi hai ki how this CRISPR kitna matlab affect kar sakta hai ya uske repercussions kya hai, but models mein animal models mein to use hota hai, jaise mice hua fir drosophila hua zebra fish hua, ye sab kya hai ye inko bolte hain animal models. To basically agar hame humans mein kuch
चीज पता करनी होती है कि चलो ह्यूमंस को कैंसर कैसे होता है, क्या ये रेडिएशन से होता है की वजह से हो रहा है, या कुछ ऐसे कुछ भी पता करना, तो हम लोग एक्चुअली उसको स्टडी करते हैं माइस में या रैट में या तो ड्रोसोफिल इन, मतलब बेसिकली एनिमल मॉडल्स में उनको स्टडी करके देन वी कम टू अ कंक्लूजन. सो या सो दैट्स व्हाई अभी तक जीनोम एडिटिंग वगैरह मोस्टली क्रिस्पर ये सब ह्यूमंस में नहीं होता है, इट्स मेजरली डन एट एनिमल लेवल और माइक्रोब लेवल. तो पॉडकास्ट को एंड करने से पहले थोड़ा एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ा इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचे, क्योंकि ये फैसिनेटिंग मुझे इसलिए भी लगता है कि जैसे इलॉन मस्क बात करता है ना, वो इंटरप्लेनेटरी के ह्यूमन रेस को इंटरप्लेनेटरी होना चाहिए, इंटरगैलेक्टिक होना चाहिए, तो वहां पे ये चीज काफी हेल्पफुल हो जाती है कि अगर अगर कोई इंसान 1000 ईयर तक जी सकता है हेल्दीली, राइट, 1000 छोड़ो, अगर 100 साल तक भी, मतलब वो कोई भी नेचुरल कॉजेस से मरे तब तक वो हेल्दी है, लाइक डिजीज हुई, तो दैट पर्सन कुड बी रियली रियली प्रोडक्टिव, राइट. और अगर वो स्पेशली अगर हाईली ट्रेन्ड हो इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये सब प्रोजेक्ट के अंदर वो काफी I don't know. It's more like कि अगर कुछ दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ की कंडीशन हमारे लिए सूटेबल ना हो, तो वी कैन लिटरली प्रिपेयर लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल के जो वो कंडीशन से थोड़े बहुत इम्यून हो. Actually, this you know brought me to another point. So if you know recent कुछ years पहले, I am forgetting the year, जब study हुआ था, you know the astronauts जो लोग गए थे you know space में, उनको study कर रहे थे कि क्या होता है उनके ऊपर impact. तो interestingly it seems कि जब अगर space में मतलब humans जाते हैं तो उनके जो shoulders है वो चौड़े हो जाते हैं and you know their chest becomes thinner. So basically like you know there is a changes in the human body also. But yeah, I totally agree with you that iska sirf ye recommendations tha. Aur ek cheez ye bhi hai ki like probably hum log lifespan bhi humans ki badha sakte hain agar aisi technologies aati hain, to we can make ki humans don't go age faster, like they can age but the gradually with time, probably like you know live more longer healthy life. So is some mein kafi fascinating and healthcare kafi bada wo ek kya bolta hu ki it's a you know raste ka yoda hai ki agar sare zyada log healthy honge to wo zyada log zyada kaam kar payenge aur zyada contribute kar payenge society mein, and we can solve lot of problem agar just log healthy ho to. Oh yeah, but I mean there are a lot of you know ye itna straightforward to hai nahi, but ha, but maybe it's still better ki log healthy ho to I think society ke liye acha hai. Oh yes, definitely happiness index zyada acha rahega. A lot of things are there for sure. So yeah, so let's see how it goes, but it's very fascinating because like you know things have speed up very faster in life sciences. Like पहले मतलब ये कुछ सालों में कुछ डिकेड्स में वी हैव सीन दैट टेक्नोलॉजीज इन लाइफ साइंसेस हैव एडवांस्ड वेरी वेरी फास्ट. सो इट विल बी फैसिनेटिंग टू सी कि, और स्पेशली अभी रिसेंटली तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज कमिंग अप हु आर वर्किंग ऑन यू नो एजिंग एंड ट्राइंग टू डू रिसर्च ऑन दिस. सो इट विल बी कैलिको लैब्स. Yes, yes. So, yeah, a lot of them are there right now. Like, it's very fascinating ki, you know, what it brings to for us in next decade. So, yeah. Thank you so much ke tame aa podcast ne ant sudhi sambhalyo. Jo tamare koi pan feedback ke comment hoy, to feel free to share. Jo tame amne koi topic suggest karva mangta hoy, to feel free to join our Telegram channel. तो मड़िए नवा एपिसोड में नवी बातों साथ.